अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाहिद माहर है और मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि यंग पेरेंट्स को बहुत कंफ्यूज्ड नॉलेज मिलती है बच्चे अपने बच्चों के बारे में, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए नॉर्मल बिहेवियर क्या होना चाहिए, कितनी फीडिंग करनी चाहिए एंड बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए मैंने एक वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई है जिसका नाम है बेबी एबल। वीडियो में मैं बात करूंगी बेबी के जनरल केयर, स्पेशली स्लीप पे। रिसर्च से जाहिर है कि एक न्यूबॉर्न से 3 महीने तक के बच्चे को 14 से 17 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है। ये नींद जो है बच्चा लंबी नींदें करके भी पूरी कर सकता है या फिर शॉर्ट नैप्स लेके भी पूरी कर सकता है। ये रिक्वायरमेंट पूरे 24 घंटे के लिए है। तो हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का पैटर्न अलग होता है, यानी कि कोई बच्चा हो सकता है कि बहुत शॉर्ट आधे आधे घंटे के नैप्स ले रहा हो और हर आधे घंटे के बाद उठ जाए, और कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लंबे 3 से 4 घंटे के नैप्स भी लेते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस स्टेज पर पूरी पूरी रात सोते हैं। प्रॉपर जो रात की स्लीप होती है वो बच्चे की 3 महीने के एज के बाद रेगुलेट हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों की 6 वीक्स में भी हो जाती है। हर बच्चे को 3 से 4 घंटे के बाद उठना चाहिए फीड के लिए, और स्पेशली फर्स्ट वीक में अगर बच्चा इतना जल्दी नहीं उठ रहा फीड के लिए तो उसको जगा के फीड करनी चाहिए। वंस आपकी रेगुलर हैबिट बन गई है, बच्चे की एक फीडिंग पैटर्न बन गया है, तो फिर आप बच्चे को स्पेशली रात के टाइम पे 3 से 4 घंटे भी छोड़ सकते हैं कि वो सोता रहे और उस टाइम में मदर की जो स्लीप है वो भी पूरी हो। इसके अलावा अक्सर पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि बच्चे को कितना गर्म रखा जाए, स्पेशली अब जब कि सर्दियां आ रही हैं हम अक्सर बच्चे को ओवर रैप करके ओवर हीट कर देते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबरों में जाना चाहें तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का जो टेम्परेचर है वो 97.5 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये चीज़ आप थर्मामीटर से भी चेक कर सकते हैं अगर आप श्योर नहीं हो। इसके अलावा ये बात याद रखें कि बच्चे के सर से सबसे ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, यानी कि जब भी आप बच्चे के सर पे हाथ लगाएंगे वो बाकी बॉडी से ज़्यादा गर्म लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को बुखार है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा हो। इसके अलावा बच्चे के हाथ और पैर यूजुअली ज़्यादा ठंडे रहते हैं, तो हाथों और पैरों को हाथ लगा के आप ये एस्टिमेट नहीं कर सकते कि बच्चे को सर्दी तो नहीं लग रही। बच्चे की हमेशा बॉडी को बीच में यानी कि पेट पे या बैक पे हाथ रख के टच करके आपको देखना चाहिए कि बच्चा कितना गर्म है। अगर बच्चा बहुत ठंडा लगे यानी कि बच्चे को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत है, और अगर बच्चा आपको बहुत गर्म लगे या स्वेटी हो, पसीने वाला हो रहा हो, तो फिर आपको बच्चे के कपड़े कम करने चाहिए जितने भी उसमें उसको रैप किया हुआ है उसमें। एक और इसमें एस्टिमेट होता है कि अगर आपको किसी कमरे में गर्मी लग रही है या आपके पसीने छूट रहे हैं तो ऑब्वियसली बच्चे को भी गर्मी लग रही होगी, ये कॉमन सेंस की बात है। तो आपको बच्चे को उतना ही कवर करना है जितना रिक्वायर्ड है। और एक गाइडलाइन ये होती है कि बच्चे को आप खुद से एक लेयर ज़्यादा पहनाएं, यानी कि अगर रात के टाइम पे आप एक टी शर्ट में सो रहे हैं और उसके ऊपर आपने एक कंबल लिया हुआ है, तो बच्चे को आपको 3 लेयर्स पहनानी होगी, यानी कि एक आप बच्चे को बनियान पहना सकते हैं, उसके ऊपर बच्चे को बॉडी सूट पहना सकते हैं, और उसके ऊपर बच्चे का अपना ब्लैंकेट हो सकता है। तो ये बच्चे के 3 लेयर्स हो गए, वेयर इज आपको इस वक्त 2 लेयर्स पहने हुए थे। तो एक लेयर एक्स्ट्रा कर दें तो वो बच्चे की जो है कवर कर देती है। बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट्स पहनाने की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती। रूम टेम्परेचर जो बच्चे के लिए रखना चाहिए, अगर आप एसी के एनवायरनमेंट में रख रहे हैं तो वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस जो है वो रखना होता है। तो आप एसी का टेम्परेचर भी उस पर सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो वेदर थर्मामीटर है वो रूम में रख के टेम्परेचर जो है वो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि बच्चा कितना गर्म हो रहा है। इसके अलावा पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि बच्चे को नैपीज कितनी देर में चेंज करने चाहिए, या बेबीज कितनी फ्रीक्वेंटली पॉटी करते हैं। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं स्पेशली, वो हर फीडिंग के बाद भी पॉटी कर सकते हैं, और कभी कभी बच्चे 3 दिन में 1 या 2 बार भी पॉटी कर सकते हैं। ये दोनों नॉर्मल वेरिएंट्स हैं और दोनों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है बच्चे की डाइट लिक्विड होती है तो बच्चे की पॉटी जो है वो भी थोड़ी रनी होती है, आप फॉर्म्ड स्टूल्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते छोटे बच्चे में।
बच्चे की पॉटी का कलर येलो से मस्टर्ड होता है और ब्रेस्ट फेड बेबीज की थोड़ी सीडी कंसिस्टेंसी होती है, यानी कि थोड़ी दानेदार पॉटी होती है। ये सब पॉटी के लिए नॉर्मल वेरिएंट्स हैं। इसलिए बच्चे को आपको हर वक्त ड्राई रखना चाहिए, जैसे ही बच्चा पॉटी करे उसको चेंज करना चाहिए ताकि नैपी रैशेज ना हो, और फ्रीक्वेंटली बच्चे के पैम्पर्स 4 से 6 घंटे में चेंज करने चाहिए। मैं हमेशा ये भी अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि प्लीज़ आप बच्चे को हर वक्त नैपी में ना रखें, स्पेशली जब आप नैपीज चेंज कर रहे हैं तो बच्चे को आधा घंटा 15 मिनट खुला छोड़ दें ताकि बच्चे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए और उसको नैपी रैश ना हो। और अगर नैपी रैश हो गया है तो ये भी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है कि बच्चे की बॉटम को आप एयर होने दें ताकि वो मॉइस्चर उसमें से ख़त्म हो जाए और बेबी जो है वो ड्राई हो। अगर रैश ख़त्म नहीं हो रहा तो फिर आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बेबीज़ को इस एरिया में फंगल इन्फेक्शंस हो जाती हैं और उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बच्चे को मुंह का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और ये आप कर सकते हैं कि बच्चे का दिन में 1 से 2 बार मुंह को क्लीन करें। मुंह क्लीन करने के लिए आप गौज़ यूज़ कर सकते हैं, जो नॉर्मल गौज़ आपको कहीं से भी मिल जाएगा। उस गौज़ को क्लीन पानी में, पीने वाले पानी में डिप कर सकते हैं, या फिर ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें डिप करके बच्चे की ज़बान और ऑल अराउंड माउथ उसको एक बार घुमा दें। बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत डीप अंदर तक साफ़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ओरल केयर हो गया। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे की ज़बान हर वक्त वाइट कोटेड है या बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, तो हो सकता है बच्चे को ओरल थ्रश हो, और ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, और इसको भी जो है आपको डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। कॉर्ड केयर, यानी कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसका किस तरह से केयर किया जाए। नॉर्मली जो है उसके लिए कोई स्पेशल केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉर्ड जो है 10 दिन के अंदर अंदर गिर जाती है, और आपको बस ये ख्याल रखना होता है कि उसको पुल ना करें, ठीक है, उसको जो है ज़्यादा जो है उसको कुछ मालिश वगैरह उस एरिया में, कॉर्ड के एरिया में ना करें। कभी कभी आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि क्लोरहेक्सिडीन से या अल्कोहल वाइप से साफ़ करें, लेकिन एक्चुअली अगर आपकी डिलीवरी एक क्लीन एनवायरनमेंट में हुई है तो वो सब करने की भी ज़रूरत नहीं होती। क्लोरहेक्सिडीन जो है उसकी स्पेशली यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब होम डिलीवरीज हों, या फिर आपको किसी ऐसी जगह डिलीवरी हो गई हो जहाँ पर जो है क्लीन एनवायरनमेंट नहीं हो। इससे जो है बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं।